वाई द हेल वी आर हेटिंग चाइना फॉर देयर प्रोडक्ट्स। तो मेरे भाइयों, चाइना के प्रोडक्ट को लेके इतनी हेट्रेट क्यों है? कैन समवन टेल मी वाई द हेल टीवीज आर बीइंग थ्रोन आउट ऑफ द बालकनी एंड बीटन लाइक क्रैप, जैसे उससे चाइना के लोग मर जाएंगे। जो इतनी चाइना को लेके हेट्रेट है, अचानक से कहाँ से आ गई? एंड वाई वी बीइंग लाइक, हम लोग जो हैं इतने पागल क्यों हैं कि हर चीज़ पे ओवर रिएक्ट करना चालू कर देते हैं? सो लेट्स स्टडी अबाउट चाइना, वाई वी आर फेलिंग टू बिहेव लाइक चाइना इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारे साथ दिक्कत क्या है? हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम खुद प्रोडक्ट बनाना नहीं चाहते, हम खुद कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते भी हैं कि हम क्रिटिसाइज सब करें, प्रोटेस्ट सब करें। हम बड़े बड़े कैप्शन में अपने भारत महान को बताना चाहते हैं, लेकिन हम भारत के लिए कुछ करना नहीं चाहते। लेकिन जब बात आती है कि हम क्या कर रहे हैं, तो वहां पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। मतलब बीइंग एन इंडियन सिटीजन, वी आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन एनी सेंस। घर पे बैठ के बातें कर लेना, दो बात बोल देना, चीजों को इधर का उधर बोल के बता देना, अ सेपरेट स्टोरी। लेकिन खुद से कुछ करना डेडिकेटेड होके, दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। तो अभी दिक्कत है हमारे इंडियंस के माइंडसेट में, परसेप्शन में। इफ यू आर थ्रोइंग आउट अ कमोडिटी और अ प्रोडक्ट दैट यू हैव ऑलरेडी परचेजिंग फ्रॉम चाइना, तुमने परचेज कर लिया है, तुम्हारे हाथ में है, एमआई का फोन है, एलईडी टीवी है, जो भी है, द चाइना हैज अर्न द मनी, चाइना की जेब में पैसा पहुंच गया ना, वही हो गया कि भाई वो जमीन पे लाठी पीटने वाली बात हो गई कि उससे कुछ होगा नहीं, इट्स अप टू यू यार, ये तुम्हारा लॉस है। बट बेवकूफों को कौन समझाए जो पॉश कॉलोनी में रह रहे हैं और थर्ड फोर्थ फ्लोर से अपने फ्लैट की बालकनी से टीवी फेंक रहे हैं। दैट इज शियर स्टूपिडिटी, दैट इज हाउ इंडिया इज इलिटरेट। तभी बोलते हैं एजुकेशन से स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये वही इंडियंस थे जिनके सामने जब मैं बोलता था कि भैया एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करो, एंटरप्रेन्योर बनो, बिजनेसमैन की तरह सोचो, एक एंटरप्रेन्योर की सोच रखो, ओपन माइंडेड रहो, लेबर क्लास मत बनो, वैसा दिमाग मत चलाओ कि तुम्हें लेबर की तरह किसी के अंडर सैलरीड बेसिस पे काम करना है, वही लोग आज भौंक रहे हैं कि जॉब सिक्योर्ड नहीं होती है, जॉब के साथ कुछ भी हो सकता है, अपना कुछ काम करो। अरे भैया, जब मैं आज से 4 महीने 6 महीने पहले, 1 साल पहले चिल्लाता था अपने वीडियोस में कि एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करो, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर वाली सिचुएशन सोच ही नहीं सकते हो, इज योर बिगेस्ट एडवांटेज, इंटरनेट रिवोल्यूशन है, उसका पार्ट बनो, कोई नहीं उस पर ध्यान देता था। आज वही लोग पहले जो जॉब्स को बहुत प्रायोरिटी देते थे, तुमने देखा नहीं है जॉब्स ऐसे होते हैं, वो होते हैं, सत्या नडेला और ये वो, आज वही लोग परेशान हुए बैठे हुए हैं। सो दैट इज द परसेप्शन ऑफ इंडिया, वी आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द चेंजेस। हमारे भारत में चेंजेस लेके आना बहुत डिफिकल्ट है। याद रखना, अगर चाइना को हमने ऐसी बॉयकॉट किया तो आधे देश के पास से मोबाइल ख़त्म हो जाएंगे, आधे क्या 90%। थोड़ा बहुत बॉयकॉट करने से अच्छा है सिस्टमेटिकली चीज़ों को लेके अपना परसेप्शन बदलो। इट्स नॉट अबाउट समथिंग जो तुम अभी कर दोगे तो काम हो जाएगा, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। द चाइनीज प्रोडक्ट दैट हैज ऑलरेडी एंटर्ड इंडिया इज बीइंग ऑल पेड, खत्म हो चुका, हमारा इंडिया का पैसा जा चुका, जो रिटेलर्स के पास फोन्स रखे हुए हैं उसका पैसा रिटेलर्स भर चुके हैं। चाइना को कोई नुकसान नहीं है अब जो प्रोडक्ट इंडिया में आ चुका है। अब नुकसान तुम उनका कराओगे, इंडियंस का, जो बेचारे खरीद चुके हैं और तुम उनसे नहीं खरीद रहे हो। समझो ये चीज। कई लोगों को लगता है हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया हिंदुस्तान की है, लेकिन उन्हें पता नहीं वो बांग्लादेश में जाके बांग्लादेश यूनिलीवर हो जाती है और पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान यूनिलीवर हो जाती है। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स, जितने लोग लाठी मार रहे थे, ये बाहर निकल के पुतले जला रहे थे, इन सबकी जेब कर चेक करते तो एमआई के फ़ोन निकलते लाइन से, ओप्पो वीवो के फ़ोन निकलते लाइन से, और वो भी ईएमआई पे चल रहे होते। मतलब ये आज ही नहीं, आने वाले 6 महीने भी उसकी ईएमआई भर रहे होते जो उन्होंने फ़ोन ले लिया है। और ये चाइना का बॉयकॉट कर रहे हैं, दैट इज़ हाउ हिपोक्रेटिक द पीपल आर इन इंडिया, लैक ऑफ नॉलेज एंड लिटरेसी। और हमारे भारत के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा कंज्यूमर खुद ही। अगर कोई तुमसे बोलता है बॉयकॉट चाइना, और अगर कोई तुमसे बोलता है कि यार प्रोडक्ट चाइना का यूज़ मत करो या ये तो गलत बात है, तुम उसे सिखाओ। जिस दिन इंडिया का कंज्यूमर अवेयर हो गया, उस दिन ये सब साम दाम दंड भेद करने की ज़रूरत नहीं है। और भारत सरकार को हर चीज़ के लिए ब्लेम करना बंद करो। सबसे बड़े कायर की सबसे बड़ी निशानी होती है कि वो किसी और पे ब्लेम डाल दे।
द मोमेंट यू विल स्टार्ट ब्रिंगिंग चेंज इन योर सेल्फ, दैट विल बी द बिगेस्ट साइन कि तुम हाँ चेंज होना चाहते हो। सड़कों पे मत निकलो, नारे मत लगाओ, अपनी लाइफ में, अपने डेली रूटीन में चेंज लेके आओ। कंज्यूमर सेक्टर बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। एक तरफ हम बोलते हैं कि यार चाइनीज प्रोडक्ट बॉयकॉट करो, हमारे वीर शहीद हो जाते हैं, उसके दूसरे दिन ही अमेज़न पे वन प्लस 8 प्रो की लाइव सेल निकलती है और 5 मिनट के अंदर प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। इस तरीके से तो हम अपने शहीदों को शहादत दे रहे हैं। ये सब होने के बाद तो हमें नहीं खरीदना चाहिए, मेरा ये कहना है, क्योंकि वो डायरेक्टली सेल आउट होते हैं वन प्लस के जो प्रोडक्ट्स। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वी हैव टू ब्रिंग चेंज। मतलब अगर वो अमेज़न की जो लाइव सेल आई थी और उसमें वन प्लस का एक भी प्रोडक्ट नहीं बिकता, मैं समझ जाता कि भाई इंडिया में लिटरेसी आ गई है। और ये वो लोग हैं 50,000 का फ़ोन खरीदने वाले हैं, ये इनको ये नहीं बोल सकते कि गरीब लोगों ने खरीदा होगा। ये कोई गरीब लोगों ने नहीं खरीदा, ये प्रॉपर लिटरेट लोगों ने खरीदा है, प्रॉपर नॉलेजेबल लोगों ने। क्योंकि जेब में 50-60 हज़ार रुपये होना वन प्लस 8 प्रो के लिए समझ में आता है कि भैया इंसान नॉलेजेबल बन गई है, बट नहीं। रिसर्च करो, रिसर्च गूगल पे रिसर्च करो, यूट्यूब पे ढूंढो, अच्छे अच्छे वीडियोस देखो, नॉलेज बढ़ाओ ताकि लोगों की नज़रों में इज्जत बढ़े। कस्टमर बन रहे हो ना भाई, तुम कंज्यूमर बन रहे हो ना, कॉमर्स के स्टूडेंट हो ना, बनो कॉमर्स के स्टूडेंट। बॉयकॉट करो डिफरेंट वे में। दिस इज़ द इंडियन वेबसाइट, दिस इज़ द स्टार्टर, ये एक स्टार्टिंग वेबसाइट है भाई, स्टार्टर है, नया वेंचर है, सपोर्ट करो, जाओ इनकी वेबसाइट पे चीज़ें खरीदो, बनो कॉमर्स के स्टूडेंट। बॉयकॉट का एक नया तरीका निकालो, सीखो, नॉलेज गेन करो, क्योंकि केस स्टडीज ऐसी ही आने वाली हैं, थाली में परस के नहीं आएगा। करते भाइयों पे रखते पूरा स्टाइल होके, जिला देखे साइड होके, किला बेचा ढाई खोके, अरे ये जो घूमते हैं झाइयों में आइयों के, बांसुरी बजेगी अंदर जाएंगे जब पाइप मोटे, जिसके ज्यादा दर्द हो उसके पहले दर्द हो, लड़के पूरा साथ देंगे सही हो या गलत हो, भाई पे है अल्टो और मैडम मांगे अल्डो, मैंने बोला दीदी पहली फुर्सत में निकल लो।